मैंने अपनी नई किताब में लिखा है साहब, एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी रोक नहीं सकते और नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान को आप कभी मदद नहीं कर सकते साहब, यू कैन नॉट हेल्प। और अक्सर आप लोग कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में कुछ यू वांट टू स्टैंड आउट तो आपको कोई आउटस्टैंडिंग काम करना पड़ेगा, तभी स्टैंड आउट कर पाओगे। तो मैंने उसमें लिखा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आमदन चाहता हूं, इनकम चाहता हूं, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता चाहता हूं, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिंदगी चाहता हूं। वो कभी अपने आप से ये नहीं पूछते कि भैया क्या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान हो, क्या आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्साइटमेंट है, क्या आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंथुजियाज्म है, क्या आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटमेंट है, क्या आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईमानदारी है, क्या आपके अंदर इतनी भावना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप्स रखते हो आप लोगों के साथ, आर यू, क्या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड काम करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो। भैया आपके पास ये अगर कुछ नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा साहब, यू विल गेट नथिंग। इंग्लिश में कहते हैं जब कोई सफल स्टोरी देखता है तो जानते हैं लोग क्या कहते हैं, मस्ट बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मस्ट बी एट द राइट प्लेस एट द, अरे सही जगह पे सही टाइम पे खड़ा होगा, लॉटरी खुल गई। अरे भैया ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, आपको सही जगह पे सही टाइम पे खड़ा होना तो जरूरी है, लेकिन आपको सही इंसान बनना पहले जरूरी है और उसके बाद सही काम करना भी जरूरी। यू मस्ट बी द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड देन डू द राइट थिंग। आर यू विद मी? आप खाली राइट प्लेस एट द राइट टाइम पहुंच के अगर आप सही इंसान नहीं हो और सही काम नहीं करते हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला साहब। तो बात यह है, कई बारी मेरे से लोग पूछते हैं कि जो इंसान सफल होता है क्या गलतियां नहीं करते? मैंने कहा भाई करते हैं, वो भी करते हैं। और जो असफल होते हैं, फेलियर होते हैं, क्या वो सही काम नहीं करते कभी कभी? पैगा करते हैं, वो भी सही काम करते हैं। जानते हैं सफलता कभी कभी सही काम करने से नहीं मिलती, सफलता तब मिलती है जब कंटिन्यूअसली आप सही काम को रिपीट करते चले जाएं जिंदगी में, और कभी कभी गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, माफ हो जाती है आपको। सेम थिंग, आदमी असफल नहीं बनता कभी कभी सही काम करने से, अपनी गलती को रिपीट करते चले जाओ तो आदमी असफल बन जाता है। आई विद मी? 63% लोग जो काम पे जाते हैं दे डोंट डू देयर जॉब, अपना काम नहीं करते साहब, और एन एडिशनल 24% आर एक्टिवली डिसएंगेज्ड, मतलब वो दूसरों को भी अपना काम नहीं करने देते, दे मेक श्योर दूसरा भी अपना काम नहीं करेगा।